नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद तमर जामी। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित के तहत दिनांक 20 अगस्त 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा चैप्टर नंबर 3 के तहत आज का टॉपिक है विलोपन विधि। विलोपन विधि यानी एक को विलुप्त करना। हम एक और विधि विलोपन विधि द्वारा रैखिक समीकरण के युग्म को हल करना सीखेंगे। इस विधि में एक चर को विलुप्त किया जाता है यानी उसको हटा दिया जाता है। इसको इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अलजेब्रिकली यूजिंग वन मोर मेथड नेमली एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड वन ऑफ द वेरिएबल ऑफ इक्वेशन इज एलिमिनेटेड यानी हटा दिया जाता है। अब जैसे दो इक्वेशन दिए गए हैं 5x + 4y = 8 और 7x + 6y = 9। तो इसको 5x + 4y = 8 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, और 7x + 6y = 9 ये दूसरा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये विलोपन विधि तो हम सीख रहे हैं, लेकिन ये कब अप्लाई होगा, किसी किसी में अप्लाई होगा, किसी किसी में नहीं भी होगा। अलजेब्रिक मेथड हम उसी का करें जिसमें a1 / a2 ≠ b1 / b2 हो, जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन एक ही हल होगा, उसी का हम इससे निकालेंगे। तो चलिए, अब किसी एक को आपको बराबर करना है, तो हम मान लेते हैं एक्स को ही बराबर करना है, तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू लिखे। अब 7 और 5 का एलसीएम लेंगे तो यही हो जाएगा, 35 ही होगा। तो यानी इक्वेशन वन का जो इसका जो कोफिशियंट है उसको 1 से करें और 2 को इससे कर दें, तो हो जाएगा 1 को आपने करना है 7 से और 2 को करना है 5 से मल्टीप्लाई, और दोनों में साइन सेम है। देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों में यदि सेम साइन होता है तो हमें माइनस करना होता है। तो सेम साइन हो तो हम माइनस करेंगे, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 7 = 35x, यानी पूरे को 7 से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट इक्वेशन दैट मीन्स पूरे को, तो 35x और प्लस में 4y को 7 से करेंगे तो 7 4 = 28y, और 8 को 7 से करेंगे तो 56। अब दूसरा हो जाएगा 7 को 5, अब इसको हमें करना है 5 से करेंगे तो 7 5 = 35x, और ये 6 को करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 30y, और 9 को 5 से करेंगे तो 9 5 = 45। अब यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस है, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में करते हैं, तो ये तीनों प्लस में था तो तीनों माइनस हो जाएगा। अब ये तो कट गया आपका, ये जो 35 - 35x ये कट गया, यानी ये विलुप्त हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो y है, दोनों साइड y है, तो कितना y है, 28y। अब यहाँ पे ये माइनस हो गया, इसके लिए माइनस हो गया, तो 28 में से 30 सब्सट्रैक्ट करें, बड़े में से छोटे घटाते हैं हमेशा, तो बड़े 30 है और छोटे 28 है, तो 30 में से 28 घटाए तो 2y, और चिन्ह हमेशा बड़े वाले का देंगे जो कि माइनस है। इसी तरह हम यहाँ पे बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो ये आंसर आएगा, ये घटाएंगे तो ये 11 आता है, तो y = हो जाएगा -11/2। इस तरह से y की वैल्यू आ गया। अब हम एक विधि तो होती है जैसे इसमें बताया गया है, जो कि किसी एक को आपको बराबर करना है, और बराबर करने के बाद जैसे x की वैल्यू आ गया तो उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। लेकिन प्यारे बच्चों,
पुट करने में दिक्कत क्या होती है, जब हमारे साथ एक क्वेश्चन गलत हो जाता, मान लो वाई का किसी तरह से हमसे गलत बन गया, आंसर गलत आ गया, तो एक्स का भी गलत आएगा। जब हम यही वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स का भी गलत आएगा। तो हम ऐसा विधि अपनाएं जो कि कम से कम ये गलत भी हो जाए तो दूसरा सही तो हो सकता है। तो अब क्या करें, हमने यहाँ पे एक्स को बराबर किया था, अब हम वाई को बराबर करें तो वाई के लिए फिर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू हो जाएगा। इक्वेशन वन में देखिए यहाँ पे चार है, यहाँ पे छः है, तो हम दोनों विधि अपना सकते, इसका जो कोफिशियंट है उस इससे और इसका कोफिशियंट इससे, नहीं तो चार या बारह भी हो सकता है, इसका एलसीएम हो सकता है। तो हम छः से ही करें, एक ही तरीका सीखें, इसको पहले को छः से करें और दूसरे को चार से करें, और दोनों में चिन्ह देखिए प्लस है, ये भी प्लस है, तो हम घटाएंगे, सेम चिन्ह में घटाएंगे। तो पूरे इक्वेशन फर्स्ट को छः से मल्टीप्लाई करना है, तो छः पंचे तीस एक्स हो जाएगा, और छः चौक चौबीस हो जाएगा वाई, और इजकल टू आठ को छः से करेंगे तो 48 हो जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन बना सेवन को, पूरे को चार से करेंगे तो सेवन फोर जा 28 एक्स, और ये छः को चार से करेंगे तो 24 वाई, और नौ को चार से करेंगे तो नौ चौक 36। अब हमें माइनस करना है, ये माइनस करना है, तो नीचे वाले का सबका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। अब इसमें से तो ये 24 में से 24 घट गया पूरी तरह से, तो ये कट गया 24y माइनस 24y। अब 38 में से 28x घटाइए, 30x में से 28x सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, दो बचा, चिन्ह हमेशा बड़े वाले का देंगे जो प्लस है और ये एक्स है, और बराबर में 48 माइनस 36 यानी यहाँ पे आपको घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। तो इस तरह से एक्स की वैल्यू आ जाएगा 12/2 यानी 6। तो एक्स की वैल्यू आ गया 6, वाई की वैल्यू ये हो गया। तो इस तरह से हम लिखेंगे, हैंस सॉल्यूशन ऑफ इज एक्स इजकल टू 6 एंड वाई इजकल टू माइनस 11/2 यानी एक्स इजकल टू 6 और वाई इजकल टू माइनस 11/2 आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन यानी दिए गए समीकरण का ये हल है। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।